हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इतने सस्ते सस्ते डॉग। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये डॉग हम कैसे खरीद सकते हैं, हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप इन डॉग्स को कैसे खरीद सकते हो और दोस्तों आपको कहाँ पर ये मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पहले वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई भी बंदा हो, चाहे कितना भी अमीर हो, ठीक है, वो यही चाहेगा कि उसे कम से कम रेट में एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पपी मिल जाए, एक अच्छी ब्रीड मिल जाए, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत कठिन है आज के टाइम पे। लेकिन दोस्तों कई जगह पर ऐसा है, कुछ कुछ टाइम पर है, जहाँ पर आपको बहुत ही चीप रेट में, अब मैं ये नहीं कहता एकदम चीप, लेकिन आपको सही रेट में मिल जाएगा, और मार्केट के मुताबिक जब आप नॉर्मल खरीदते हो ना, तो उनसे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा और ब्रीडरों से। तो दोस्तों वही सब आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखो सबसे पहले पपी का रेट होता महंगा कहाँ पर है, कहाँ पर पपी कॉस्टली हो जाता है। देखो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का, लाइन का पपी लोगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, महंगा मिलेगा। अगर आप पेट्स क्वालिटी का लेते हो तो आपको सही मिल सकता है। दोस्तों देखो आज के टाइम पे ब्रीडिंग पता कैसी है, बंदा, अब देखो मेरे पास, मेरे घर में पपी हुए हैं, ठीक है, अब मेरे से कोई दूसरा बंदा ले गया, दूसरे बंदे से कोई दूसरा ब्रीडर ले गया, दूसरे ब्रीडर से कोई दूसरा, ऐसे तीन चार ब्रीडरों पर हो करके आपके पास पपी पहुंचता है। मतलब जो बंदा खरीदता है ना, उसे उसके बीच में तीन चार मिडल मैन होते हैं। अब तीन चार मिडल मैन सब अपना अपना बचाते हैं, 1000, 1500, 500 जो उनके बचे। अब दोस्तों 4-5 हज़ार रुपये महंगा तो पपी बीच में ही हो जाता है, अब आप खुद सोचिए। तो आपका फ़ायदा वहां पर होगा, या तो आप डायरेक्ट ब्रीडर से लो, या फिर डायरेक्ट वहां से लो जहां पर पपी हुए हैं, जिस घर में हुए हैं, ठीक है, जब आपको पपी बहुत सही रेट में मिल पाएगा। दोस्तों एक ऐसी जगह है, अब आपको मैं बता दूं, देखो अभी मौसम है जो सर्दियों का आने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे सर्दी आती जा रही है। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीने ऐसे हैं जब दोस्तों डॉग शो लगता है आपके पंजाब के सभी एरिया में, अंबाला, कैंट, लुधियाना, चंडीगढ़, ठीक है, आपके करनाल में, नोएडा, गुड़गांव में भी लगता है दोस्तों, कई जगह ऐसा लगता है, बाहर साइड भी लगता है, साउथ साइड। तो दोस्तों जब वहाँ पर डॉग शो लगता है ना, ओपन डॉग शो जिसे कहते हैं, तो दोस्तों जो डॉग शो के बाहर होती है वहां पर डॉग्स मार्केट भी जरूर लगती है 100%। आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा, कई यूट्यूबर हैं पेट से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, डॉग्स मार्केट की। तो दोस्तों आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट ब्रीडर आते हैं, ऑलमोस्ट 99% ब्रीडर आते हैं, और दोस्तों वो बंदे आते हैं जिनके घर में पपी हुए होते हैं, वो बेचना चाहते हैं, वो आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपके बीच में मिडल मैन हट जाएंगे ना, तो आपकी चीज़ ऑलमोस्ट सस्ती हो जाएगी। इस बात को समझिए पहले, 4-5 हज़ार रुपये अगर आपका पपी सस्ता हो जाता है, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ये रुपये आप किसी और काम में, उसकी फीड वगैरह में भी लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों किस्मत के ऊपर है, आपको कितना सस्ता पपी मिल जाए वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों डॉग शो के बाहर पपी की मार्केट लगती है, वहाँ पर ब्रीडर या फिर जिनके घर में होता है वही आते हैं। दोस्तों वो जगह एक ऐसी है जहाँ से आप सस्ते पपी ले सकते हो, वो आपको हर डॉग शो के बाहर मिल जाएगी, ठीक है। 3-4 महीने का टाइम होता है, जो भी भाई लेने की सोच रहे हैं वो प्लीज़ डॉग्स मार्केट से पपी ले सकते हो, लेकिन उसकी एक कमी होती है दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कमी क्या है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों डॉग्स मार्केट से आप पपी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आपको बहुत सस्ते पपी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मिडल मैन नहीं होते, डायरेक्ट ब्रीडर और लोग होते हैं जिनके पास पपी होते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। लॉट में खरीदोगे, मतलब जोड़ा ले लिया, 2-3 पपी ले लिए, 4 पपी ले लिए, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मिल जाएंगे, आगे आप भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप कुछ भाई सोचेंगे, भाई आप अपने वीडियो में नंबर क्यों नहीं देते किसी बंदे का जो सस्ते पपी बेचे। दोस्तों ऐसे बहुत बंदे हैं जो सही रेट में पपी देते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो में इसलिए नंबर नहीं देता क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में किसी का भी भरोसा नहीं है। उसने, चलो मेरे चैनल के थ्रू उसके 2-3 पपी सेल हुए, 4-5 पपी सेल हो गए, उसके बाद क्या पता उसने फ्रॉड कर लिया, तो किसका नाम खराब होगा, नाम मेरा खराब होगा, क्योंकि इस चैनल ने ये नंबर प्रोवाइड किया था। दोस्तों इसीलिए मैं नंबर नहीं देता, अगर मेरे पास खुद कोई पपी आता है, मेरे रिलेशन में होता है, तब मैं अपने चैनल पर ले आता हूँ, जैसे मैं पमेरियन लेकर के आया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। दोस्तों जो भी भाई लेने की सोच रहे हैं, डॉग मार्केट बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसकी एक कमी भी है, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, क्या कमी है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को फैला दो आग की तरह, शेयर करते जाओ दोस्तों, ताकि सभी भाई को पता चले, क्योंकि डॉग शो आने ही वाले हैं, तो सभी डॉग खरीद सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।